फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और आज हैप्पी दिवाली है, कल रात को कैंडल भी जलाएंगे। आज रात को जलाएंगे। सो दिशान बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बोलो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? और अभी लल्ला के आई हूँ मैं। और दिशान ने अभी बहुत ले लिया है, मम्मा ने भी, तो और सारा काम हो गया है। बस खाना बनाना है, फिर उसके बाद दिवाली की तैयारी करनी है, रंगोली बनानी है और बंदरवान बनाऊंगा रंगोली कलर से। ये बार एनिमेटेड टैंकर बनाएंगे। सो बस यही सब होने वाला है आज हमारी। हाँ, दिवाली सेलिब्रेशन पॉलीथिन से रंगोली निकालूंगा। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम क्या करते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन कैसे होता है, वो सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे इस वीडियो में। सो हमारे साथ बने रहिए। और सो भी अभी मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में आज आलू मटर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी और खीर बनने वाली है। और मिठाई में मिठाई बाहर से ही लेके आएंगे अभी, और काजू कतली बनाऊंगी मैं वो शाम के टाइम में भूख के लिए। सो बस अभी चलती हूँ। हाँ, और रवि चुबे को लंच हो गया और उसके बाद अभी बस बर्तन करके आई हूँ। 2:30 बज गया है और अब चलते हैं। फ्लावर लेके आए थे अभी तो वो बनाने के लिए, उसके बाद रंगोली बनाऊंगी। सो ये देखिए मैंने क्या क्या रखा है। और सो आज तो ये देखो डिनर कर दिया। और ये डिनर नहीं, लंच। लंच कर लिया, कल रात को डिनर होगी। चलिए बना दे जल्दी से। सजावट करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, तब से मैं लगी हूँ। जब मैं बोल रही थी आपको तोरण और ये रंगोली वगैरह, ना रंगोली बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मुझे ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन भी नहीं आती बनाना। तो ये देखिए कुछ ऐसी बनाई है मैंने, ये गेट पे डिज़ाइन रंगोली की, और यहाँ पर लगा दिए हैं चरण पादुका मैया रानी के। सो बस अभी शाम हो गई है, 6:30 बजने वाले हैं और पूजा का टाइम भी 8 बजे तक का ही है। तो मैं हो रही हूँ तैयार, साड़ी पहन रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ फ़ोटो भी खींचेंगे और साड़ी पहन के दिवाली पे पूजा करती हूँ इसलिए। और ये वाला वीडियो जो है वो बना रहे हैं हब्बी, तो ये वीडियो हब्बी ने बनाया, बहुत हेल्प हो गई मेरी, बहुत सारा काम उन्होंने मेरे साथ कर दिया। ये दीपक जितने भी थे सब उन्होंने ही लगाए हैं रंगोली पे सेट करके, जैसे भी जहाँ भी लगाने थे उन्होंने ही लगाए हैं। और दिशान ने, दिशान उनको परेशान भी कर रहा है, वही संभाल रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा साड़ी पहनते टाइम। और मन होता वहीं दीपक को फू करके बुझा देता है। बार बार बहुत मेहनत करा दी। और यहाँ ये हमने एक कंडील लगाया है, बाहर इतनी जगह नहीं है तो लगाने के लिए हम इसे यहीं लगा लेते हैं। और कुछ इस टाइप से पूरा घर सजाया है, तो आप देखिए कैसे हमने अपने घर को सजाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और ये पूरा वीडियो हम भी बना रहे हैं, सो आप भी हमारे पति महाराज जी के साथ बने रहिए इस वीडियो में और इन्जॉय कीजिए हमारे घर की सजावट को, कैसे सजाया है हमने अपने घर को।
तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता सो अभी पूजा हो गई है हमारी और यहाँ माता रानी को धोख दे रहे हैं और अब अपना एंजॉय करो, मिठाई खाओ, पटाखे फोड़ो। तो वो यहाँ पटाखे तो मिलते ही नहीं है, तो बस हम लोग ऐसे ही इंजॉय करेंगे। अब घर पे बात करेंगे फ़ोन करके सबसे, दिवाली की राम राम बोलेंगे। तो हमारे यहाँ जैसे पूजा की जाती है हम वैसे फॉलो करते हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से की जाती है, कोई कैसे करता है कोई कैसे। तो मैंने कुछ इस तरीके से सजाया है और अच्छे से हमारी पूजा भी हो गई है, उसके बाद मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। सो बोलिए लक्ष्मी माता की जय, सबके घर लक्ष्मी माता अच्छे से आएँ। दिशान यहाँ पे फूंक मार के बार बार दीपक बुझा देता है, मैं उसे जला रही हूँ। और इसी के साथ दिवाली ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैप्पी दिवाली।